चलिए तो मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म का चैप्टर अब हम आगे पढ़ रहे हैं और बायोट-सावर्ट्स लॉ के कुछ केसेस हमने कर लिए हैं। अब आप हेडिंग दे दीजिए एम्पियर्स लॉ या एम्पियर्स सर्किटल लॉ, AMPER apostrophe S CIRCUITAL एम्पियर्स सर्किटल लॉ, आर्टिकल नंबर 4.7। बेसिकली ये लॉ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में गॉस लॉ जैसा है, बस इसकी डेफिनेशन दे दीजिए। मैथमेटिकल डेफिनेशन ही देता हूं मैं आपको, इंटीग्रेशन ऑफ डी डॉट डी एल इक्वल टू म्यू नॉट इनटू आई एंगुलर। ये एम्पियर्स लॉ की मैथमेटिकल डेफिनेशन है, इंटीग्रेशन ऑफ डी डॉट डी एल is going to mu naught into I enclosed। जैसे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जब हम बात करते थे तो ये बोलते थे कि अगर ये मान लीजिए ये गॉसियन सरफेस है, ये पॉजिटिव चार्ज है और ये गॉसियन सरफेस है, तो इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डीएस करते थे वहां पे, इसी जिस पॉइंट पे फील्ड चाहिए वहां से गुजरने वाली हम एक गॉसियन सरफेस इमेजिन करते थे सिमेट्रिकल, इंटीग्रेशन ऑफ डी ई डॉट डी एस को बोलते थे चार्ज एनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में चार्ज आता था तो यहाँ करंट आएगा ही आएगा, क्योंकि चार्ज इलेक्ट्रिकल फील्ड पैदा करता था और करंट मैग्नेटिक फील्ड पैदा करता है, और वहां एप्सिलॉन नॉट नीचे आता था तो यहाँ म्यू नॉट ऊपर आएगा, बस इतनी सी बात है। आज अगर आप किसी पॉइंट से गुजरने वाली बी निकालना चाहते हैं तो उस पॉइंट से गुजरने वाला एक क्लोज लूप बना लीजिए, उस लूप को एम्पीरियन लूप कहते हैं, क्योंकि उसके अंदर आप करंट एनक्लोज देख रहे हैं ना। ऐसा लिख दीजिए टू डिटरमिन बी एट अ पॉइंट अराउंड असिमेट्रिकल करंट डिस्ट्रीब्यूशन, टू डिटरमिन बी एट अ पॉइंट अराउंड असिमेट्रिकल करंट डिस्ट्रीब्यूशन, अराउंड सिमेट्रिकल करंट डिस्ट्रीब्यूशन, टू डिटरमिन बी एट अ पॉइंट अराउंड असिमेट्रिकल करंट डिस्ट्रीब्यूशन ड्रॉ एन एम्पीरियन लूप, ड्रॉ एन एम्पीरियन लूप थ्रू दैट पॉइंट, ड्रॉ एन एम्पीरियन लूप थ्रू दैट पॉइंट। उस पॉइंट से गुजरने वाला एक एम्पीरियन लूप बनाइए एंड डिटरमिन केयरफुली द करंट एंक्लोज्ड इन दिस लूप। बस जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आप किसी पॉइंट पर E की वैल्यू निकालते थे, ऐसे ही मैग्नेटिज्म में अब आप किसी पॉइंट के पे B की वैल्यू निकालते हैं। B की वैल्यू डिटरमिन करने के लिए इसका मतलब हमारे पास दो तरीके हैं, एक एम्पियर्स लॉ और एक बायोट-सावर्ट्स लॉ। BSL की एप्लीकेशन हम पढ़ ही चुके हैं, अब हम एम्पियर्स लॉ की एप्लीकेशन पढ़ रहे हैं। फिर वही है सिमेट्री वाली बात है, यहां पर बेसिकली मैं तो
बस आप तो हेडिंग दे दीजिए, बी अराउंड अ स्ट्रेट इनफाइनाइट करंट कैरिंग वायर। बी अराउंड अ स्ट्रेट इनफाइनाइट करंट कैरिंग वायर। ये बहुत ही लंबा वायर है इसलिए हम इसे इनफाइनाइट कह रहे हैं। इन्फिनिटी का मतलब तो आप समझते ही हैं। ये पॉइंट पी है और मुझे इस पॉइंट पी पे ये करंट कैरिंग वायर है, मुझे इस पॉइंट पी पर ई की वैल्यू चाहिए। तो मैं यहां से गुजरने वाला एक एम्पियरियन लूप कंसिडर करूंगा। मैं ये डिस्टेंस आर है, हमको पॉइंट पी पे बी निकालना है, तो बस आपके पहले तो ये लिख दीजिए, इमेजिन एन एम्पीरियन लूप थ्रू पी, पी से गुजरने वाले एक एम्पीरियन लूप को इमेजिन करें एंड फॉर सिमेट्री इट शुड बी अ सर्किल। अब आपको क्लोज्ड सरफेस नहीं चाहिए, क्लोज्ड लूप चाहिए। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम लोग क्लोज्ड वॉल्यूम बनाते थे, क्लोज्ड सरफेस बनाते थे, आज क्लोज लूप बना रहे हैं। तो अब क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डीएल। अच्छा, क्लोज है ये पाथ, अगर इंटीग्रेशन का पाथ क्लोज है तो कभी कभी इंटीग्रेशन के ऊपर एक छोटा सा सर्कल भी बना देते हैं, वो रिप्रेजेंटेशन का तरीका है। लिख सकते हैं सर्कल इंडिकेट्स क्लोज्ड, सर्कल इंटीग्रेट्स इंटीग्रेशन ऑन अ क्लोज पाथ। ये जो सर्किल है ये इंटीग्रेट कर रहा है, शो कर रहा है कि हमने जो इंटीग्रेशन किया है क्लोज पाथ पे किया है। एंड दिस इज इक्वल टू म्यू नॉट पी टू आई एनक्लोज्ड। अब इस वायर में करंट आई है। अच्छा, अब सिमेट्री के कारण इस एम्पीरियल लूप के हर पॉइंट पे बी का मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, ड्यू टू सिमेट्री मैग्नीट्यूड ऑफ बी magnitude of B at each point of the Empyrean loop is same. Empyrean loop के हर point पे B की value same है, magnitude same है, so it can be taken out of the integration sign. So that B integration of DL is going to mu naught for I enclosed, तो मैंने देखा बस ये जो वायर में करंट है यही तो I enclosed है। बी इंटीग्रेशन साइन के मैं बाहर ले आया। अब इसके इंटीग्रेशन ऑफ डीएल, ये छोटे छोटे जो एलिमेंट्री सेक्शंस हैं, इनकी लेंथ का जो सम होगा वो पूरा पेरीमीटर ही तो होगा। छोटे छोटे लेंथ का जो सम होगा क्लोज पाथ पे वो पेरीमीटर होगा, वो 2πr होगा। दिस इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। तो B की वैल्यू आपकी आ गई है म्यू नॉट बाय 2π आई बाय आर। इनफाइनाइट वायर है, अगर इनफाइनाइट का तो यही मतलब होता है कि वायर की जो लेंथ है दैट इज मच 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 ग्रेटर देन आर। जो पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन है वायर के काफी करीब है, इनफाइनाइट का और कुछ मतलब नहीं होता। जो पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन है P वो वायर से काफी करीब है। तो मैं ये फाइनल फैसला देना चाह रहा हूँ, मैं नीचे 4π पसंद करता हूँ, तो म्यू नॉट बाय 4π इनटू 2π बाय आर। ये 5 स्टार वाला इम्पोर्टेंट फॉर्मूला हो गया। स्ट्रेट वायर अगर है, ऑफ कोर्स इनफाइनाइट लेंथ का, अगर स्ट्रेट वायर है इनफाइनाइट लेंथ का तो इसकी कारण जो फील्ड होती है आस पास इसके वो 2π बाय आर होती है। ये छोटा सा डेरिवेशन है, डेरिवेशन करना है तो करिए, नहीं करना तो मत करिए। रिजल्ट तो जरूर याद रखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रिजल्ट तो बेसिकली सर्कुलर कॉइल के सेंटर पे है और स्ट्रेट वायर। और फुल सर्किल, सर्किल की अगर बात करें तो ये फील्ड 2πi/r होती है। सर्किल के सेंटर पे फील्ड पाई गुना ज्यादा होती है। बी सर्किल into pi into B straight wire,
एक्चुअली अभी तक इस चैप्टर में जो आपने पढ़ा है उसमें यही दो फॉर्मूले मोस्ट कॉमनली यूज होंगे। इवन बायोट-सावर्ट्स लॉ का जो बेसिक फॉर्म था कि म्यू नॉट बाय 4 पाई आई डीएल क्रॉस आर बाय आर क्यूब, वो भी इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है जितने ये दोनों के एप्लीकेशन ज्यादा मिलेंगे। इन पे क्वेश्चन आपको ज्यादा मिलेंगे, एक सर्किल और एक स्ट्रेट वायर, एक सर्किल और एक स्ट्रेट वायर। सर्किल के सेंटर पे फील्ड ज्यादा काम की है बजाय सर्किल के एक्सियल पॉइंट पे, सर्कुलर कॉइल के एक्सियल पॉइंट पे फील्ड का फॉर्मूला उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, पर सर्कुलर कॉइल के सेंटर पे फील्ड का फॉर्मूला ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो 2 पाई आई बाय आर था, वो हमने बायोट-सावर्ट्स लॉ से डिराइव किया था, और आज स्ट्रेट वायर के लिए एम्पियर्स लॉ से डिराइव कर रहे हैं। आंसर है 2 आई बाय आर। सर्किल में तो बिना पाई के आंसर आता ही नहीं, सर्किल में तो 2 पाई आर चलता ही है। सर्किल का कोई भी फॉर्मूला ले लो उसमें तो पाई आता ही, तो सर्किल के सेंटर पे तो 2 पाई आई बाय आर आएगा ही आएगा, और स्ट्रेट वायर का फॉर्मूला भी स्ट्रेट होगा 2 आई बाय आर, इसमें पाई वाई का कोई लफड़ा नहीं होगा। इन्हीं को आपको अच्छे से याद रखना है, इसका एम्पियर्स लॉ से आप डेरिवेशन करें या ना करें नॉट मच सिग्निफिकेंट। तो ये लिख सकते हैं एक लाइन डैश करके, और कुछ खास इंपॉर्टेंट बातें तो नहीं लिखी हैं। इसने एक लिखा है नंबर 1, लिख दीजिए पॉइंट कि मैग्नेटिक फील्ड अराउंड अलोंग स्ट्रेट वायर, लॉन्ग से हमेशा ही मतलब होता है इनफाइनाइटली लॉन्ग, अलोंग स्ट्रेट वायर हैज सिलेंड्रिकल सिमेट्री। बस इसके आसपास जो फील्ड होगी उसमें सिलेंडर सी सिमेट्रिकल होंगे, मेरे हिसाब से तो पॉइंट इंपॉर्टेंट नहीं है। और ऑफ कोर्स अगर आपको किसी भी पॉइंट पे एक्चुअली फील्ड चाहिए ना, डायरेक्शन चाहिए, किसी भी पॉइंट पे बी की डायरेक्शन चाहिए, तो अब वो टेंजेंशियल बनेगी एक प्रकार से। ये जो एम्पीरियल लूप है ये शायद फील्ड लाइन हो गई, स्ट्रेट वायर के कारण तो फील्ड सर्किल ही होती है। बस नंबर 2 डाल के लिख दीजिए, बी एट एनी पॉइंट ऑन एन एम्पीरियल लूप, मैं ऑफकोर्स एक स्ट्रेट वायर के कॉन्टेक्स्ट में ही बात कर रहा हूं आपसे केवल, इज टेंजेंशियल टू दिस सर्किल। यहाँ पे वायर की फील्ड, वायर के आसपास फील्ड बनाने का अब आपके पास यही तरीका है। ये वायर के आसपास जो फील्ड आती है ना, वो ऐसी कंप्लीट सर्किल ही आती है, ऐसी कंप्लीट सर्किल ही आती है। ये करंट जा रहा है, ये वायर में करंट जा रहा है, और आप ये राइट हैंड थंब रूल ले लें तो यहाँ से फील्ड अंदर जा रही है और यहाँ से फील्ड बाहर आ रही है। तो यहाँ पे एक बात हम ये देखना है कि मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स आर क्लोज्ड कर्व्स, बार मैग्नेट की जो लाइंस थी वो भी क्लोज्ड कर्व्स थी, वो यहां से निकल के यहां जाती थी और अंदर भी ऐसे जाती थी। इलेक्ट्रोस्टैटिक लाइंस ऑफ फोर्स होती हैं वो ओपन कर्व्स होती हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक लाइंस ऑफ फोर्स ओपन कर्व होती है, जबकि मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स चाहे बार मैग्नेट के कारण हो चाहे करंट एलिमेंट के कारण हो, चाहे बार मैग्नेट के कारण हो चाहे किसी भी करंट एलिमेंट के कारण हो, जो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स होती हैं वो क्लोज्ड कर्व्स होती हैं। ये जरूरी नहीं कि सर्कुलर ही होंगी, ये ओवल शेप की भी हो सकती है। इसके पहले डायग्रामों में हमने ओवल शेप बनाया ही था, लिख दीजिए दिस कैन बी सर्कुलर और ओवल शेप। बढ़ तो हम चुके हैं पर फिर से लिख दीजिए, रूल टू डिटरमिन डायरेक्शन ऑफ बी
रूल टू डिटरमिन पॉइंट नंबर फोर में इसने एनसीईआरटी ने लिखा है रूल टू डिटरमिन डायरेक्शन ऑफ बी अराउंड अ लॉन्ग वायर रूल टू डिटरमिन डायरेक्शन ऑफ बी ये उसे राइट हैंड रूल कह रहा है और पढ़ा तो वह एक्चुअली वही रहा है आप लिख दीजिए राइट हैंड थंब रूल ये राइट हैंड थंब रूल ही है बस फिंगर्स विल कर्ल अराउंड इन द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड ऐसे लिख दीजिए फिर से लिख दीजिए होल्ड अ कंडक्टर इन राइट हैंड होल्ड अ कंडक्टर इन राइट हैंड विद थंब पॉइंटिंग इन द डायरेक्शन ऑफ करंट कंडक्टर को राइट हैंड में पकड़िए थंब इन द डायरेक्शन ऑफ करंट द सेंस ऑफ कर्ल सी यू आर एल कर्ल ऑफ फिंगर्स अराउंड द वायर सेंस ऑफ कर्ल अराउंड द फिंगर्स around the wire, sense of curl of fingers around the wire gives the direction of magnetic field. ये तो वही है जो हमने पढ़ा बस ये अंगूठे को करंट के डायरेक्शन में रखिए और बस ये जो कर्ल है ये आपको मैग्नेटिक फील्ड दे रहा है यहाँ जा रहा है और यहाँ वापस आ रहा है घूम के वही है कहता है एम्पियर सर्किट लॉ इज नॉट गिवन कंटेक्ट फ्रॉम बायोट सावर्ट्स तो ये लाइन चली लिखती है कि एम्पियर लॉ इज इन एग्रीमेंट विद बायोट सावर्ट्स लॉ एकदम कोई डिफरेंट लॉ नहीं है ये बायोट सावर्ट्स लॉ ही है मतलब ऐसा उसने लिखा है कि एम्पियर लॉ इज टू बायोट सावर्ट्स लॉ एम्पियर्स लॉ का और बायोट सावर्ट्स लॉ का वही रिलेशन है एम्पियर्स लॉ इज टू बायोट सावर्ट्स लॉ एज गॉसेस लॉ इज टू कूलम्स लॉ इस लाइन पे दो स्टार दे दीजिए एम्पियर्स लॉ और बायोट सावर्ट्स लॉ में वही रिलेशन है जो गॉस लॉ में और कूलम्स लॉ में एक और बात लिख दीजिए पता नहीं कितनी इंपॉर्टेंट है डैश करके लिख दीजिए एम्पियर्स लॉ होल्ड्स ओनली फॉर स्टेडी करंट्स एम्पियर्स लॉ होल्ड्स ओनली फॉर स्टेडी करंट्स मतलब डीसी करंट्स एंड नॉट फॉर एसी करंट्स एम्पियर्स लॉ डीसी करंट के लिए वैलिड है एसी करंट के लिए वैलिड नहीं यार अभी तक सिर्फ एक ही काम की बात पड़ी है और वो है कि इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डीएल इज मू नॉट इनटू आई एनक्लोज्ड अब ये अच्छा इंपॉर्टेंट रिजल्ट आ रहा है और ऑफ कोर्स उसके आधार पर फॉर्मूला कि स्ट्रेट वायर के लिए फील्ड है टू आई बाय आर स्ट्रेट वायर में पाई तो आएगा नहीं फिर एग्जाम्पल 4.8 देखिए द फिगर शोज अ ह्यूज इज अ लॉन्ग लॉन्ग स्ट्रेट वायर लॉन्ग का हमेशा ही मतलब होता है इनफाइनेटली लॉन्ग लॉन्ग का हमेशा ही मतलब होता है इनफाइनेटली लॉन्ग of a circular cross section the current I is uniformly distributed across this cross section calculate the magnetic field in the region r less than a and r greater than a so apan ek heading de sakte hain isko heading de dijiye b at an external point heading de dijiye b at an external point around along long straight longer straight है और thick wire है मोटा wire है wire का radius negligible नहीं है मोटा wire अब ये जो मोटा wire है ना इसमें अगर current I जा रहा है तो actually वो I इसकी पूरी वॉल्यूम में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ये बात आपको लिखनी होगी शायद स्टडी करंट इसीलिए इसने कहा है ये एक बड़ी बात लिख दीजिए सॉल्यूशन में आप लिख दीजिए कि वी विल अज्यूम दैट करंट इज डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली
current is distributed uniformly throughout its area. इसके पूरे एरिया में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, पूरी वॉल्यूम में भी कह सकते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में तो हम यूनिफॉर्म का बड़ा सिग्निफिकेंस था, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हमेशा ही मतलब था कि अगर वो यूनिफॉर्मली चार्ज तो उसका मतलब चार्ज की पूरी वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूटेड है। ये अगर आप एक्सटर्नल पॉइंट पे हैं, अगर आप यहां हैं तो यहां से ये गॉसियन सरफेस बनाइए, गॉसियन सरफेस नहीं सॉरी एम्पिरियल लूप बनाइए, ये डिस्टेंस आर है और फिर तो मैं लिखूंगा तो वही इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी एल इसमें म्यू नॉट इनटू आई एनक्लोज। अगर आप यहां पर हैं तो इस लूप के अंदर जो करंट एनक्लोज है वो इस पूरे वायर का लूप करंट है, बी को बाहर ले लेते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ डी एल इज म्यू नॉट इनटू आई एनक्लोज। अगर कहीं दम कभी होती है तो सिर्फ आई एनक्लोज नहीं होती है, बाकी ये तो हर बार आप यही काम करेंगे, आपका हर बार यही रूटीन रहेगा एलएचएस में। आपको ध्यान से केवल एक ही चीज देखनी होगी कि आई एनक्लोज कितनी है। फिलहाल तो ये पूरा करंट जितना भी है वो इस सरफेस के अंदर ही तो जा रहा है, ये जो भी करंट है वो इस एम्पिरियल लूप के अंदर ही तो है, तो म्यू नॉट आई हो गया और इसके बी का वही फॉर्मूला आ गया म्यू नॉट बाय 4 पाई 2 आई बाय। एक्सटर्नल पॉइंट पे तो वही फॉर्मूला हमेशा आता है जो कि अदरवाइज आपने पढ़ा होता है। एक्सटर्नल पॉइंट पे कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, ये थिक वायर है कि थिन वायर है फर्क नहीं पड़ता। एक इंपॉर्टेंट बात हमने केवल ये सीखी है कि जो हम डिस्टेंस नापते हैं वो सरफेस से नहीं नापते, डिस्टेंस तो हम हमेशा सेंटर से नापते थे, इस बात को पास कर देती है। डिस्टेंस इज ऑलवेज मेजर्ड फ्रॉम द सेंटर, फ्रॉम द एक्सिस, सेंटर से नापते हैं या एक्सिस से नापते हैं, सेंटर से नापते हैं या एक्सिस से नापते हैं। जो डिस्टेंस है, जो डिस्टेंस है वो कभी भी सरफेस से नहीं नापते हैं, वार्निंग लिख दी उसके आगे, डिस्टेंस इज नेवर नेवर मेजर्ड फ्रॉम द सरफेस। बस यही फायदा हुआ एम्पियर्स लॉ से इस डेरिवेशन को दोबारा करने का। ये दूरी आप कभी भी सरफेस से नहीं नापते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी दूरियां हम सेंटर से ही नापते थे, इसलिए लिख दीजिए देयरफॉर डैश करके एक बात, या चलिए क्वेश्चन के रूप में लिख देते हैं, एक क्वेश्चन के रूप में लिख देते हैं, ये एक वायर है इसका रेडियस आर है और ये इसका रेडियस चलो एक्स है, ये डिस्टेंस आर है, इसका रेडियस वाई है, ये वायर वन है जिसका रेडियस एक्स है और ये वायर टू है जिसका रेडियस वायर है, ये थिक वायर है, ये थोड़ा थिन वायर है और ये थोड़ा थिक वायर है, करंट इनमें सेम जा रहा है, करंट इनमें सेम जा रहा है। आपको पॉइंट पी पे फील्ड्स का रेशियो निकालना है जहां पी की दोनों के एक्सिस से डिस्टेंस सेम है, करंट भी सेम है और पी के दोनों के एक्सिस से डिस्टेंस भी सेम है, तो हम तो भाई डिस्टेंस हम तो डिस्टेंस एक्सिस से ही नापते हैं। समझ में आ गया कि वायर की थिकनेस से कोई फर्क नहीं पड़ता, टोटल करंट दोनों में उसमें सेम, टोटल करंट सेम, हमें सिर्फ एक्चुअली मेन मुद्दा रहता है करंट एनक्लोज और दूरी सेंटर से नापते हैं ना कि सरफेस से। सरफेस से तो पॉइंट पी का डिस्टेंसेस अभी अलग अलग है पर सेंटर से तो दोनों डिस्टेंसेस सेम है, तो आंसर है 1:1। ये ठीक क्वेश्चन है, 4 स्टार इस क्वेश्चन पे भी दे दीजिए आप। कॉन्सेप्ट को चेक करने के लिए थोड़े से तो क्वेश्चन बनाएगा वो। अब असली चीज आती है, आप फिर से हेडिंग दे दीजिए, डी एट एन इंटरनल पॉइंट
बी एट एन इंटरनल पॉइंट ऑफ अ लॉन्ग बी एट एन इंटरनल पॉइंट ऑफ अ लॉन्ग करंट कैरिंग वायर, करंट कैरिंग चलिए थिक वायर बोल देते हैं, करंट कैरिंग थिक वायर, मोटा वायर अगर है तो फिर से आपको एक बार ये बोलना पड़ेगा कि करंट इज डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली थ्रू आउट द क्रॉस सेक्शन, करंट इज डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली थ्रू आउट द क्रॉस सेक्शन। अब ये वायर है, ये इसका एक्सिस है, और मान लीजिए ये पॉइंट पी है जिसका यहां से डिस्टेंस आर है, और वायर के रेडियस को मैं कैपिटल आर कह दे रहा हूं। ये थिक वायर है, ये काफी लॉन्ग है, और इसमें से करंट आई जा रहा है, करंट आई जा रहा है, पर मुझे पॉइंट पी पर फील्ड चाहिए। पी से गुजरने वाला एक एम्पीरियन लूप बनाऊंगा, पी से गुजरने वाला एक एम्पीरियन लूप बनाऊंगा, और फिर से वही करूंगा, बी इंटीग्रेशन ऑफ डी एल म्यू नॉट इनटू आई एनक्लोज्ड, और सिर्फ एक ही चीज दमदार हो सकती है कभी भी, और वो है आई एनक्लोज्ड। मुझे इस पोर्शन में से गुजरने वाला करंट चाहिए, जबकि इस पूरे पोर्शन में से गुजरने वाला करंट आई है, तो जिस आई एनक्लोज्ड की तुम बात कर रहे हो, जरूर वो किया जा सकता है टोटल करंट अपॉन टोटल एरिया, करंट पर यूनिट एरिया मल्टीप्लाइड बाय एरिया ऑफ एम्पीरियन लूप, मल्टीप्लाइड बाय एरिया ऑफ एम्पीरियन लूप। तुम जिस आई एनक्लोज की बात कर रहे हो, वो है टोटल करंट अपॉन टोटल एरिया मल्टीप्लाइड बाय आर स्क्वायर। जो आई एनक्लोज है वो है आई आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, बस यहाँ डिफरेंस आ गया। अगर इस पूरे एरिया में से जाने वाला करंट आई है, तो इस एरिया में से जाने वाला करंट तो थोड़ा कम होगा, करंट पर यूनिट एरिया को इसके एरिया से मल्टीप्लाई कर दीजिए, करंट पर यूनिट एरिया को एम्पीरियन लूप के एरिया से मल्टीप्लाई कर दीजिए, करंट पर यूनिट एरिया को एम्पीरियन लूप के एरिया से मल्टीप्लाई कर दीजिए, मैं डेरिवेशंस में ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं हूं। अब जो मेरा आंसर आएगा यहाँ पर डी इंटू इंटीग्रेशन ऑफ डीएल, तो अभी भी 2πr होगा, एलएचएस में तो कभी कोई फर्क पड़ता ही नहीं है, इसको तो म्यू नॉट इंटू आई एनक्लोज की जगह मैं लिखूंगा आई आर स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, एक आर और एक आर ये कैंसिल हो जाएगा, और बी का फॉर्मूला आ जाएगा म्यू नॉट बाय 2πr इंटू आई आर बाय आर स्क्वायर, म्यू नॉट बाय 2πr। तो मैं तो कहता हूँ बी नॉट, बी का फॉर्मूला आएगा म्यू नॉट बाय 4πr इंटू 2i बाय कैपिटल आर, तो 4 बना दिया मैंने यहाँ पर, यहाँ 2 से और यहाँ 2 से मल्टीप्लाई किया तो 4πr बन गया, और 2i बाय कैपिटल आर इंटू आर बाय आर, ये हो गया मेरे हिसाब से। सरफेस पे जो फील्ड होती वो इतनी होती, और सरफेस पे जो फील्ड है उसे आप स्मॉलर बाय कैपिटल आर से मल्टीप्लाई करते हैं। इंटरनल पॉइंट पे फील्ड हम हमेशा ऐसे ही निकालते हैं, जो भी सरफेस पे फील्ड होती है, अगर इंटरनल पॉइंट पे फील्ड निकालना हो तो उसे आप छोटे आर से स्मॉल आर बाय बड़े आर से मल्टीप्लाई कर दीजिए। डी इंटरनल इज इक्वल टू डी सरफेस इनटू छोटा आर बाय बड़ा, ये ऑफ कोर्स हाँ ये 5 स्टार ही दे देते हैं, 4 स्टार या 4.5 स्टार दे सकते हैं, बहुत कॉमन तो नहीं है, बहुत ज्यादा कॉमन तो नहीं है, जितने क्वेश्चंस आए हैं उनके हिसाब से बात करें तो 4 स्टार भी ठीक है। और इंटरनल पॉइंट पे तो हमेशा ही हम देख ही रहे हैं, हमेशा इंटरनल पॉइंट पे अगर आपको फील्ड निकालनी होती है तो आप हमेशा ही यही करते हैं, चाहे आपने अर्थ के अंदर ग्रेविटेशनल फील्ड की बात की थी, चाहे नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के अंदर इंटरनल पॉइंट पे इंटेंसिटी की बात की थी, बस यही फॉर्मूला है। अगर एक कंडक्टिंग वायर है तो हम यही मानेंगे
कि करंट उसके पूरे एरिया में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हुआ है सर, पूरे एरिया में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। कोई कोई पूछना चाह रहा है? सर मैं कह रहा था कि अगर ये वायर पूरा हॉलो नहीं है तो फिर अपन ने एरिया क्यों लिया, वॉल्यूम क्यों नहीं ली? वायर तो सॉलिड है, मतलब वॉल्यूम ले लीजिए आप, एक ही बात है, करंट पर यूनिट वॉल्यूम इनटू वॉल्यूम ऑफ दैट एलिमेंट कर लीजिएगा। करंट तो उसके बेसिकली हम लोग तो एम्पीरियल लूप जो है वो एक खुद उसका एरिया है, उसकी वॉल्यूम नहीं है। एम्पीरियल लूप जो है वो अब लूप है, पूरी क्लोज बॉडी नहीं है, वो क्लोज वॉल्यूम नहीं है। तो मुझे तो इस एरिया का करंट चाहिए, तो इसलिए मैंने करंट पर यूनिट एरिया पे ले लिया। जो आप करंट एनक्लोज इनसाइड एरिया देखना चाहते हैं, इसलिए करंट पर यूनिट एरिया को एम्पीरियन लूप के एरिया से मल्टीप्लाई करेंगे। गॉस थ्योरम में करंट पर यूनिट चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम को वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करते थे, वहां आप क्लोज बॉडी क्लोज सरफेस लेते थे, यहाँ आप क्लोज लूप ले रहे हैं खाली। इसका क्योंकि एरिया होता है, इसलिए एम्पीरियन उसका भी एरिया लीजिए। अब चार्ज उसके एरिया में डिस्ट्रीब्यूटेड मान लीजिए, वॉल्यूम में नहीं। फैसला यही हो गया कि बी अगर एक्सटर्नल पॉइंट पे चाहिए तो 2i/r, अगर सरफेस पे चाहिए तो 2i/r, म्यू नॉट बाय 4π तो मैं लगा ही लूंगा, और अगर इंटरनल पॉइंट पे चाहिए तो जरूर 2i/r इंटू स्मॉल आर बाय कैपिटल आर। ये इसकी एक समरी हो गई। बस आप केवल यही रटिएगा कि स्ट्रेट वायर है और सॉलिड स्ट्रेट वायर है, सॉलिड स्ट्रेट वायर है। बी के लिए ये समरी बस रख लीजिए, नो डेरिवेशंस रिक्वायर्ड। जरूर एकदम सेंटर पे हम देखते हैं, जरूर अगर हम जरा ग्राफ बनाए तो कुछ ऐसे ही आएगा। ये सेंटर पे भी जीरो होगी, सरफेस पे मैक्सिमम होगी, इंटरनल पॉइंट पे भी प्रोपोर्शनल टू आर और एक्सटर्नल पॉइंट पे भी प्रोपोर्शनल टू 1/r। ये है, ये सारे इंटरनल पॉइंट्स है क्योंकि ये आर है ना। एट इंटरनल पॉइंट पे भी प्रोपोर्शनल टू आर और एक्सटर्नल पॉइंट पे भी प्रोपोर्शनल टू 1/r। कहां ये 1/r है, कहां ये 1/r² है, कहां ये 1/r³ है, ये आपको जल्दबाजी में करेंगे तो सिली मिस्टेक हो जाएगी आपसे। अगर पूछता है एक्सटर्नल पॉइंट पे ई एनसीएस के लिए, नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के लिए, तो 1/r² और बाय चांस डायपोल के लिए पूछ लेता है तो 2p/dq। अगर शीट ऑफ चार्ज की बात करता है तो इंटेंसिटी प्रोपोर्शनल टू 8^0। शीट ऑफ चार्ज के लिए इंटेंसिटी का फॉर्मूला σ/2ε0 या σ/ε0 आता था और वो डिस्टेंस पर डिपेंड नहीं करता था। अब आप एक क्वेश्चन लिख दीजिए, चलिए हेडिंग दे सकते हैं, वो जो बी प्रोपोर्शनल टू आर और बी प्रोपोर्शनल टू 1/r² है, उसको जरा अच्छे से स्टार लगा लीजिए। 1/r² नहीं है, सॉरी 1/r, वो 1/r² है कि 1/r है, वही आप लफड़ा करेंगे। चलिए वार्निंग लिख दीजिए, वार्निंग लिख दीजिए, लिखिए एज पर BSL, एज पर बायोट-सावर्ट्स लॉ, बी ड्यू टू अ करंट एलिमेंट इज प्रोपोर्शनल टू 1/r². बेसिकली तो वो qm/r² ही था। और अगली लाइन में लिख दीजिए, फॉर अ लॉन्ग वायर बी प्रोपोर्शनल टू 1/r। अगर वो कुछ नहीं कह रहा है कि लॉन्ग वायर के कारण कहां, तो हम एक्सटर्नल पॉइंट पे ही हम लोग रहते हैं वायर के, हम वायर के अंदर घुस के तो रहते नहीं, तो हम जहां रहते हैं वहीं की नॉर्मली फील्ड बताएंगे। कुछ नहीं बोला है तो हम एक्सटर्नल पॉइंट की फील्ड बताएंगे। तो बायोट-सावर्ट्स लॉ ने इसका फॉर्मूला 1/r² का, मतलब बेसिकली बात बायोट-सावर्ट्स लॉ की नहीं है, बात यह है कि अगर करंट एलिमेंट है तो 1/r², और अगर वायर है इनफाइनाइट लेंथ का, जैसे कि हम लॉन्ग वायर के नाम से पुकारते हैं, इनफाइनाइटली लॉन्ग बोलना आवश्यक नहीं है, लॉन्ग मतलब इनफाइनाइटली लॉन्ग, तो फिर बी प्रोपोर्शनल टू 1/r है। 1/r है कि 1/r² है,
इसमें ही बस वो आपसे मिस्टेक करवाएगा, यही कहीं आप सिली मिस्टेक कर देंगे। और एक क्वेश्चन इस 22 में बहुत भारी पड़ने वाला है, आप माने ना माने, मेरे हिसाब से तो कट ऑफ किसी भी सरकारी कॉलेज का कम से कम 625 जाएगा मिनिमम, अगर मैं डीमोरलाइज ना करूं आपको तो ये फिगर दे रहा है। पेपर अभी तो बहुत दूर है, बट एवरीथिंग इज वेरी प्रेडिक्टेबल, वेरी 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 प्रेडिक्टेबल, प्रेडिक्टेबल फॉर 22 बैच। सो 1/r या 1/r² एक चोट में सारी कहानी बदल सकती है आपकी, जरा ध्यान दीजिएगा। एक बात इसने आगे और लिखी है, अच्छा पहले तो मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ, क्वेश्चन के रूप में लिख दीजिए, कैलकुलेट बी एट एन इंटरनल पॉइंट, कैलकुलेट बी एट एन इंटरनल पॉइंट ऑफ अ हॉलो कंडक्टर कैरिंग करंट, हॉलो कंडक्टर कैरिंग करंट। हॉलो में तो करंट पूरा उसकी सरफेस में ही है, अगर मैं इस जेल्स पॉइंट पे बात करूं, मैं एम्पीरियल लूप यहां से बनाऊं, तो करंट तो इसके अंदर है ही नहीं कुछ, करंट एंक्लोज जीरो है हॉलो में, करंट एंक्लोज जीरो है हॉलो में, करंट एंक्लोज जीरो है तो फील्ड जीरो आएगी। हॉलो के अंदर मैग्नेटिक फील्ड नहीं होती, किसी हॉलो आदमी में कहां मैग्नेटिज्म है, सॉलिड आदमी में मैग्नेटिज्म है, हॉलो में अंदर फील्ड नहीं होती। मैं तो ये समरी बना सकता हूं भाई, एक बात और ध्यान देख लीजिए कि करंट कैरिंग वायर में ई तो कहीं होता ही नहीं है, लिख दीजिए ना करंट, फिर से लिख दीजिए डैश करके, बल्कि 4 स्टार भी दे दीजिए, करंट कैरिंग वायर इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, करंट कैरिंग वायर इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। सो वेदर सॉलिड और हॉलो, इंटरनल पॉइंट और एक्सटर्नल पॉइंट, चाहे सॉलिड हो चाहे हॉलो हो, इंटरनल हो या एक्सटर्नल हो, E इज इक्वल टू जीरो। सॉलिड हो या हॉलो हो, इंटरनल हो या एक्सटर्नल हो, E इज इक्वल टू जीरो। बस कर, अब वो मत कंफ्यूज होना कि करंट कैरिंग वायर के अंदर एक E होती है, हमारा हमेशा यही मतलब होता है कि इस करंट की वजह से ई जो पैदा हो रही है उसके बारे में बात करें। तो करंट इलेक्ट्रिकल फील्ड नहीं पैदा होती, मैग्नेटिक फील्ड होती है, सॉलिड वायर है तो अंदर बी होगी, ई जीरो होगी। सो मैं बना देता हूं, सॉलिड वायर अगर है, अगर सॉलिड वायर है तो ई इज इक्वल टू जीरो, ई इज नॉट इक्वल टू जीरो, ई इज इक्वल टू जीरो, ई इज नॉट इक्वल टू जीरो। और हॉलो करंट कैरिंग कंडक्टर है, अगर हॉलो करंट कैरिंग कंडक्टर है तो अंदर ई भी जीरो है और बी भी जीरो है, और बाहर ई तो जीरो ही है, ई तो जीरो ही है और बी जीरो नहीं। शॉर्टकट्स बनाने के एक्चुअली ये कुछ तरीके होने चाहिए जिसमें आप कुछ भी ऐसे टाइप स्टेटमेंट्स ना लिखें, डायग्राम में ज्यादा बात करें। अगर रूटीन एक स्टेटमेंट लिख देंगे तो आप उसको पढ़ते समय आपका कॉन्सेंट्रेशन लो हो सकता है, पर जहां बहुत ही कम आपने रिटन मैटर बहुत ही कम है, डायग्राम वाइग्राम ज्यादा बनाए हैं, इनको तो आपको जरा अलर्ट होकर ही रिवाइज करना पड़ेगा, और शॉर्ट नोट्स छोटे भी बनेंगे। ऐसे फॉर्म में, पैराग्राफ फॉर्म में, स्ट्रेट लाइन फॉर्म में, टेक्स्ट फॉर्म में शॉर्ट नोट्स अवॉइड जहां जहां कर सकते हो करें। इस डायग्राम में सब कुछ आ गया, इसमें रिविजन करते वक्त आपका दिमाग ज्यादा इन्वॉल्व होगा, बढ़िया है। बाकी एक बात इसमें और लिखिए, लिख दीजिए कि द एम्पियर्स लॉ होल्ड्स फॉर एनी लूप, एनी लूप क्यों कह रहे हैं, एम्पियर्स सर्किट लॉ होल्ड्स फॉर एनी लूप। बस लिख दीजिए एम्पियर्स लॉ होल्ड्स फॉर एनी लूप बट कैलकुलेशन ऑफ इंटीग्रल इज सिंपल, कैलकुलेशन ऑफ इंटीग्रल इज पॉसिबल ओनली इन हाई सिमेट्री सिचुएशंस।
सर यहाँ हाई सिमेट्री से मतलब क्या है? हाई सिमेट्री सिचुएशंस जो भी हाई सिमेट्री सिचुएशंस होंगी, थोड़ा सिमेट्री तो जरूरी है, मतलब वैलिड तो ये हर जगह है, एम्पीरियल लूप आड़ा तिरछा भी होगा, एम्पीरियल लूप आड़ा तिरछा भी होगा तो भी ये वैलिड तो होगा, तो भी ये वैलिड तो होगा, परंतु उसका इंटीग्रेशन हम लोगों के लिए इतना आसान नहीं। तेरा एम्पीरियल लूप इज वैलिड फॉर एनी लूप, बट वो इंटीग्रेशन बी तो बाहर तभी आएगा ना इंटीग्रेशन साइन के, अगर बी हर जगह सेम होगा तो। सिमेट्री चाहिए हमें, सिमेट्री अगर आप बना सकते हो तो आप ये लॉ आसानी से लगा पाएंगे। मेरे ख्याल से पॉइंट ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, हाई सिमेट्री सिचुएशंस हो तो आपका डेरिवेशन आसान हो जाएगा, बाकी एम्पियर्स लॉ हमेशा वैलिड है और किसी भी लूप के लिए वैलिड है, और सिर्फ सिमेट्री होगी तो इंटीग्रेशन पॉसिबल होगा। ये स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट नहीं है और जबरदस्ती आपको मिसडायरेक्टेड एफर्ट्स कहीं कहीं करा सकता है। कुछ चीजों को पढ़ते समय पहली बार इग्नोर ही करना चाहिए और यही बोलना चाहिए कि यार ये पता नहीं क्या स्टेटमेंट का क्या काम है और ये काम क्या है क्या नहीं है, तभी क्लियर होगा जब इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आपके सामने आएगा। एक क्वेश्चन हम और दे सकते हैं आपको, एम्पीयर्स लॉ है या बोलते हैं चलिए कोएक्सियल के क्वेश्चन के रूप में दी है, कोएक्सियल केबल है, कोएक्सियल केबल है। अब अगर केबल है एक्चुअली केबल में ना एक ये होता है, ऐसा होता है केबल, कोएक्सियल केबल है, इट हैज अ गो कंडक्टर एंड अ रिटर्न कंडक्टर। एक केबल के अंदर हमें दो तीन वायर दिखते हैं ना, ये पॉइंट पी है मान लीजिए केबल के बाहर, करंट जाता है और फिर वही करंट लौट के भी आता है केबल में से, तो बस कहता है पॉइंट पी पे फील्ड बताइए, मैग्नेटिक फील्ड। जीरो नहीं सर, सॉरी हाँ यहाँ पे आंसर आ जाएगा जीरो, क्योंकि जो चार्ज एंक्लोज्ड है, सॉरी जो करंट एंक्लोज्ड है, जो करंट एंक्लोज्ड है वही है जीरो। सर करंट एंक्लोज्ड जीरो नहीं होना चाहिए ना, प्लस आई और माइनस आई। सर माइनस आई मतलब डायरेक्शन थोड़ी लेते अपन करंट की वजह से, करंट को वेक्टर नहीं बोलते पर करंट में डायरेक्शन तो होती ही है, और अगर इस करंट को आप इसके मैग्नीट्यूड को आप प्लस आई बोलोगे, यहाँ मतलब इधर भी इलेक्ट्रॉन जा रहा है इधर भी इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, तो दोनों एक दूसरे के असर को कैंसिल कर देंगे। अगर एक करंट इधर जा रहा है तो उसके कारण यहाँ जो फील्ड पैदा होगी उसकी उल्टी फील्ड यहाँ वाले करंट से पैदा होगी। अगर मान लीजिए इसके करंट क्रॉस है तो इसके करंट डॉट होंगे, तो नेट फील्ड तो जीरो होगी होगी। हम करंट को पॉजिटिव और नेगेटिव बोलते हैं, स्केलर को भी तो पॉजिटिव नेगेटिव बोलते हैं। यस सर, करंट एक वेक्टर नहीं है, पर करंट को साइन तो हम असाइन करते ही हैं। अगर समेशन ऑफ करंट कभी जीरो हो जाएगा, आप बकायदा एक करंट को प्लस आई कहते हैं और एक करंट को माइनस आई कहते हैं, एक करंट को प्लस आई कहते हैं और एक करंट को माइनस आई कहते हैं। ऑपोजिट डायरेक्शन में करंट को आप माइनस आई कहने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मैंने इसे कहा कि मान लीजिए ये करंट है तो इस करंट के कारण फील्ड यहाँ पे होगी शायद डॉट्स, और अगर यहाँ भी करंट ऐसे ही जा रहा हो तो इसके कारण फील्ड यहाँ होगी क्रॉस की, तो जितना डॉट वाली फील्ड है उतनी क्रॉस वाली फील्ड है, रिजल्टेंट तो जीरो आएगा ही आएगा। तो आई एंक्लोज्ड ऐसे में हम जीरो लेते हैं, ये प्लस आई है और ये माइनस आई है। सर चार्ज को भी हम प्लस माइनस लेते थे, चार्ज भी स्केलर था, और करंट को भी हम प्लस माइनस लेते हैं। यहाँ वर्क भी तो कभी नेगेटिव होता है, वर्क भी स्केलर है, करंट भी स्केलर है, तो करंट भी नेगेटिव होगा, स्केलर क्वांटिटीज भी पॉजिटिव और नेगेटिव हो सकती हैं।
वो उनके मैग्नीट्यूड को दर्शाती है। एक ऐसा एक क्वेश्चन मैं कर सकता हूँ कि मान लीजिए ये एक रीजन है यूनिफॉर्म फील्ड, यहाँ यूनिफॉर्म फील्ड का रीजन है और ये एक एंटीरियर लूप है। अब अगर ये जो है ना बेसिकली मान लीजिए शीट ऑफ चार्ज है, चलिए बस ज्यादा बात नहीं करते, बस कहता है इसके लिए वो यहां पर फील्ड नहीं है, यहां फील्ड है। कहता है इस पूरे पाथ के लिए, पाथ ए बी सी डी के लिए इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डीएल निकालिए, इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डीएल निकालिए। आप पहले निकालिए इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डीएल फॉर मान लीजिए ए बी प्लस इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डीएल फॉर बी सी, ये वेक्टर बी डॉट वेक्टर डीएल है एक्चुअली तो पूरा, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डीएल बी सी हो गया फिर सी डी प्लस इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डीएल फॉर डीएल। ये मुझे इस एम्पिरियन लूप से एसोसिएटेड, मैं तो गॉस इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी ऐसे ही कहते थे कि आप हर पोर्शन का फ्लक्स अलग से निकाल के सबके फ्लक्स ऐड कर देना, तो इस लूप को मैं ए बी सी डी पार्ट्स में बांट रहा हूं अगर ये सर्कल नहीं है तो। अब यहां तो वेक्टर बी भी यही है और वेक्टर डीएल भी यही है, मान लेते हैं ये इसकी लेंथ एल है, इस पोर्शन की लेंथ मान लेते हैं l है, पूरा स्क्वायर है, स्क्वायर है, तो यहाँ तो वेक्टर b भी यही है और मान लेते हैं dl भी यही है, तो ये b dl cos 0 आ जाएगा, b into l cos 0 आ जाएगा। पर यहाँ पे क्या है bc में वेक्टर b यहाँ है और वेक्टर dl यहाँ है, तो डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू परपेंडिकुलर वेक्टर्स इज 0, ये 0 हो जाएगा, वेक्टर b यहाँ है और वेक्टर dl यहाँ है। ऐसे अगर सीडी में बात करें, सीडी में बात करें तो अगर इसकी ये डायरेक्शन थी तो यहां तो फिर बाहर फील्ड ही जीरो है, बाहर फील्ड ही जीरो है, तो इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डीएल इसका जीरो ही आएगा। मतलब मेरे पास करंट एनक्लोज वाली अप्रोच तो नहीं है इस समय, ये थोड़ा सा एडवांस्ड है, पर आगे सोलिनोइड में डेरिवेशन जब करेंगे तो इस टाइप की बात थोड़ी बहुत काम आ सकती है। जो टोटल इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डीएल है वो निकाल रहे हैं, यहां तो हमें मिल रहा है AB में तो मिल रहा है, BC में वो जीरो है क्योंकि B यहाँ है और DL यहाँ है, CD में वो जीरो है क्योंकि बाहर फील्ड ही नहीं है, और DA की अगर बात करूं तो DA में भी B यहाँ है और DL यहाँ है, तो डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू परपेंडिकुलर वेक्टर्स इज जीरो। पूरे लूप के लिए इंटीग्रेशन ऑफ B डॉट DL आ रहा है, वो खाली B इंटू L ही, ये एडवांस है, इसकी बहुत आवश्यकता नहीं है, पर सोलिनोइड में जब डेरिवेशन कराया गया है तब इस टाइप की बातें यूज की गई हैं, तो हमारे लिए आसान हो जाएंगी। यहाँ पे तो बी डॉट डीएल कुछ फाइनाइट आ रहा है, एक्चुअली वेक्टर क्वांटिटीज हैं, आपको बी डॉट प्रोडक्ट में कॉस थीटा लेना पड़ता है, वेक्टर बी भी ये है वेक्टर डीएल भी ये है, तो कॉस जीरो में लूंगा, यहाँ पे बी और डीएल परपेंडिकुलर है तो डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू परपेंडिकुलर वेक्टर जीरो, यहाँ पे तो बी ही नहीं है तो बी डॉट डीएल जीरो, और यहाँ पे एक बार फिर वेक्टर डीएल और वेक्टर बी परपेंडिकुलर है and dot product of two perpendicular vectors is zero. ये अलग से important question नहीं है, बस ठीक है, that is all for now.